Hello students, how are you all? I hope you all are well. Students, which chapter is going on? The happy field. Happy field में क्या हुआ था? हमारी जो field था, वो बहुत ही sad था. क्यों sad था? क्योंकि उसका जो field था, वो plain और dull था. फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ पर एक lake बन गई और हमारा field happy हो गया. अब आगे देखते हैं कि क्या होता है. दिस मेड द फील्ड वेरी हैप्पी. किसने फील्ड को हैप्पी किया था? दिस सीन, इस सीन ने. जब हम क्रिएट हो गया था और जो हमारा क्लाउड था वो रेन लेकर आया था और क्या बना दिया था? लेक बना दिया था. उस लेक पर क्या आ गए थे? डक्स. ओके, ही वॉज प्लीजेंट टू हियर द मूव्स ऑफ द काउस. फील्ड क्या देख के खुश हो गया था? क्या सुन के? काउस की मूज, द क्वैक्स ऑफ द डक्स, डक्स का क्वैक्स एंड द होंग्स ऑफ द गीस टू, और गीस का होंग्स. स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली. काउस की वॉइस साउंड क्या होगी? मूज. और डक्स की क्वैक्स और गीस की होंग्स. ही लव्ड हिज न्यू फ्रेंड्स. वो अपने न्यू फ्रेंड्स को बहुत ही प्यार करने लग गया था. उसके न्यू फ्रेंड्स कौन थे? काउस, डक्स, होंक्स. आफ्टर अ वाइल ही फेल्ट दैट द सन वॉज टू हॉट इन द डे टाइम. कुछ देर बाद उसने क्या फील किया? कि जो सन था, डे टाइम था, वो बहुत ही हॉट था. द सन इज शाइनिंग डाउन फ्रॉम द ब्लू स्काई फॉर मैनी आवर्स नाउ. बहुत घंटे तक सूरज क्या होता था? चमकता रहता था. थॉट द फ्लैट फील्ड. तो फ्लैट फील्ड ने कुछ सोचा. अब बेटा जब आपको गर्मी लगती है तो आप भी तो कुछ सोचते हो कि कोई इसका उपाय करो. क्या करते हो? या तो आप कूलर चला लेते हो, एसी चला लेते हो, करते हो ना इसका सोल्यूशन. वैसे अब फील्ड को भी तो कोई सोल्यूशन करना ही था. अब देखते हैं कि फील्ड ने क्या सोल्यूशन किया. सो ही पुश्ड द अर्थ ऑन हिज हम टिल इट बिकेम अ हिल. तो उसने अर्थ को, अर्थ पे जो हम था उसको पुश करना शुरू किया. कब तक पुश करता रहा? जब तक कि वो हिल नहीं बन गया. देन ट्रीज स्टार्टेड टू ग्रो ऑन द हिल. और उसके बाद ट्रीज किस पे ग्रो होने शुरू हो गए? हिल पर. यू कैन सी यहाँ पर ट्रीज बने हुए हैं ना हिल पर. आफ्टर अ वाइल प्रिटी ग्रीन लीव्स ग्रू ऑन ऑल द ब्रांचेस. और सभी ब्रांचेस पे ग्रीन लीव्स आ गई. द शेडी ट्रीज कैप्ड द फील्ड्स हिली हैड मच कूलर. शेडी मीन्स कीप्स यू अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, जो आपको डायरेक्ट सनलाइट से दूर करता है. तो शेडी ट्रीज ने क्या किया? फील्ड का जो हिली हेड था उसको और कूलर बना दिया और ठंडा बना दिया. बट एज सून एज द ट्रीज केम अप ऑन द हिल, लेकिन जैसे ही ट्रीज हिल पर आए, अ लिटिल लेन अपीयर्ड नियर बाय. उसके पास क्या बन गई? एक लेन बन गई. यू कैन सी लेन मीन्स अ नैरो वे, छोटा सा रास्ता बन गया. ठीक है. द लेक क्राइड. लेक क्या चिल्लाई? रिवर. एंड रन टुवर्ड्स द लेन, और लेन की तरफ दौड़ी. एंड कैप्ट ऑन रनिंग ऑल द वे टू द सी, और सी के रस्ते की ओर दौड़ने लगी वेरी क्विकली. लिटिल फिश स्वैम अप टू द रिवर टू लीव विद द डक्स एंड द गीस. और क्या किया? जो लिटिल फिश थी वो भी तैरती तो तैरती हुई वहाँ आ गई और किन के साथ रहने लगी? डक्स और गीज के साथ. यू कैन सी बेटा, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सीन ना. हेयर इज़ अ हिल, फ्लावर्स, काउज, डक्स, गूज, एंड हेयर आर फिश ऑल्सो इन साइट. वैन इट रेन्ड द सन पेंटेड रेनबो इन द स्काई. अब जैसे ही बारिश शुरू हुई, सन ने क्या किया? रेनबो पेंट कर दिया स्काई में. यू कैन सी दिस इज़ अ रेनबो. यू ऑल लव रेनबो ना. सबको रेनबो अच्छा लगता है ना. आई ऑल्सो लव रेनबो. द फील्ड लव दोज रेनबोज. फील्ड को तो वो रेनबोज बहुत अच्छे लगे. आफ्टर अ वाइल ही डिसाइडेड दैट ही वॉन्टेड हिज ओन रेनबो. कुछ देर बाद उसने ये सोचा कि मैं अपना खुद का रेनबो बनाना चाहता हूँ. सो द फील्ड स्क्वीज द ग्रास. तो फील्ड ने क्या किया? ग्रास को स्क्वीज किया. स्क्वीज मीन्स प्रेस फ्रॉम ऑल साइड, सभी साइड से प्रेस किया. ही स्क्वीज अंटिल फ्लावर्स केम आउट ऑफ द ग्रास. और उसने तब तक स्क्वीज किया जब तक कि ग्रास में से क्या नहीं निकल गए, फ्लावर्स नहीं बाहर आ गए. किस कलर में? रेनबो के कलर में. द फ्लावर्स ब्रॉट प्रिटी लिटिल बटरफ्लाइज.
और वो फ्लावर्स क्या लेकर आए, सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज को। हाउ डिलाइटेड द फील्ड वॉज, फील्ड कितना डिलाइटेड था, कितना खुश था, यू कैन सी हियर। जस्ट देन अ क्वीन बी बज बाय विद ऑल हर बिजी बीज। ठीक तभी क्या हुआ, क्वीन बी, क्वीन बी मीन्स अ लार्ज फीमेल बी हु इज द लीडर ऑफ द ग्रुप ऑफ बीज। जो बीज की ग्रुप की लीडर थी, जो लार्ज फीमेल बी थी, वो किसके साथ आई, विथ ऑल हर बिजी बीज, अपनी सभी बिजी बीज के साथ। दे टुक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, उन्होंने फ्लावर से क्या लिया, नेक्टर। नेक्टर क्या होता है, एक स्वीट लिक्विड होता है बेटा, जो फ्लावर से लिया जाता है, किस लिए लिया जाता है, हनी बनाने के लिए। एंड मेड स्वीट हनी, और उसे उन्होंने क्या बनाया, स्वीट हनी बनाया। दिस इज हाउ द फ्लैट फील्ड बिकेम ब्यूटीफुल, और ऐसे क्या बन गया, फ्लैट फील्ड ब्यूटीफुल बन गया। एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, और उसके बाद से वो खुश रहने लगे। फील्ड हैप्पी हो गया ना, अब इतना ब्यूटीफुल सीन था तो फील्ड को तो हैप्पी होना था। यू कैन सी दिस इज द ब्यूटीफुल सीनरी हेयर, डक्स, गूस, काउस, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, रेनबो, एवरीथिंग इज सो डिलाइटेड। यदि ऐसी जगह पर आप जाओ तो आपको भी बहुत खुशी होगी ना, वैसे ही फील्ड को हुई। आई होप स्टूडेंट्स यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर एंड एंजॉयड इट वेरी मच। सो स्टूडेंट्स यू हैव टू रीड द चैप्टर केयरफुली सो यू कैन अंडरस्टैंड इट। ओके बेटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।